हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका इंडियन नेवी का जो ट्रेडमैन का रिजल्ट आया था, ट्रेडमैन मेट का, तो उससे संबंधित काफ़ी डाउट हैं आपके। जो एक सप्ताह पहले आपका आया था, तो उससे संबंधित काफ़ी डाउट हैं, वही उस डाउट के रिलेटेड ही मैंने ये वीडियो बनाया है। रिजल्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में मेरा ये दूसरा वीडियो है, ना कि मैंने बार बार आपको वीडियो बनाकर परेशान किया है। जो भी जानकारी इसी में मैं सारे आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो इसके अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या डाउट उठते हैं मन में, वो सारा हम ऑफिशियली वेबसाइट के आधार पर क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसे नंबर वन पर आपका जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है जो लिस्ट आई थी उसमें 536 कैंडिडेटों का नाम आया था, तो उनको भी यहाँ पर कुछ डाउट होता है कि आगे उनका क्या प्रोसेस होगा, और मतलब उनको पता कैसे लगेगा आगे की प्रोसेस का, जैसे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर उनका मेडिकल भी होगा नॉर्मल, तो सारा कुछ यहाँ पर होगा। तो उनका इनको जानकारी कैसे मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियली साइट पर तो कुछ अपडेट आया नहीं है, और ऑफिशियल साइट पर अपडेट आता है या नहीं आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक दोस्त आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि कट ऑफ जारी होगी या नहीं जारी होगी, तो इसका भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और खाली पोस्ट, जैसे कि आपको पता है कि पूरी जो पोस्ट थी इस वैकेंसी की, उसके ऊपर यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की गई है इंडियन नेवी के द्वारा। अब यहाँ पर खाली पोस्ट है या फिर उनका क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और नंबर आपका अगला है दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट जो है आपका सेकंड लिस्ट से संबंधित, कि सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि वैकेंसी कम थी, यहाँ पर कम लिए गए हैं कैंडिडेट, तो सेकेंड लिस्ट आएगी, और यार दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके रिगार्डिंग क्या क्या संभावनाएँ बनती हैं आपकी, और आगे क्या होगा, कैसे पता लगेगा, सारे नियम है वो ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ना कि मन से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको किसी और से मिसगाइड ना होना पड़े, जो भी गाइडेंस हो बिल्कुल सही आपको प्राप्त हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ, नंबर वन क्वेश्चन है सेलेक्टेड स्टूडेंट की आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो दोस्तों सेलेक्टेड स्टूडेंट को आगे जो भी प्रोसेस होगी, साइट के ऊपर कुछ नहीं आने वाला है उनके लिए, ना ही उनके कोई एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग कोई सूचना आएगी साइट के ऊपर। उनको जो भी आएगा अब मेल के थ्रू आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा मेल के थ्रू आएगा, हो सकता है अपॉइंटमेंट लेटर शायद साइट पर अब की बार जारी कर दे। पीछे जो प्रोसेस था उसका, पीछे की प्रोसेस के आधार पर मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका जो आएगा ऑफिशियली साइट पर, अब यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी जाएगी आपकी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इतने से इतने डेट के बीच में है। इसके लिए दोस्तों आप अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक करते रहें, और बाकी जिनका भी दोस्तों हुआ है वो एक ग्रुप बना ले अपना, व्हाट्सएप का ग्रुप या फिर किसी भी ग्रुप, व्हाट्सएप का ही काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हो जाएंगे इतने, तो वो अपना एक ग्रुप बना ले। अगर कोई बनाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा, उसके अंदर लड़के ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप ग्रुप बना लो, जिससे दोस्तों एक के पास मैसेज आएगा तो सभी को पता लग जाएगा कि हाँ इसी बंदे के पास मैसेज आ गया है, और बाकी जैसे ही मेरे को कोई अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट की प्रोसेस थी। आगे की क्या प्रोसेस होगी, आगे आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगेंगे आपके एडमिट कार्ड में वो आपको लेके जाने हैं। बाकी आपका सिविलियन का दोस्तों नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है, तो आप मेडिकल को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, सिविलियन का ज़्यादा मेडिकल हार्ड नहीं होता है। तो इसके बाद में दोस्तों आपका नंबर दो पर आपका आ जाता है क्वेश्चन कि आपका कट ऑफ जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी दोस्तों। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन नेवी की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की जाती है, खासकर आपका ट्रेडमैन का रिजल्ट होता है इसके रिगार्डिंग। बाकी जो SSR AA इनके आते हैं, इनकी दोस्तों कट ऑफ आती है जिस टाइम में हम रिजल्ट देखते हैं, उस टाइम में हमारा नंबर सब कुछ बताया जाता है, पर इसके ट्रेडमैन के अंदर सिर्फ आपका PDF दिया है जिसके अंदर सिर्फ आपका रोल नंबर है, और कोई यहाँ पर कट ऑफ जारी पीछे की भर्ती की भी नहीं हुई थी, और ना ही इस भर्ती की अभी तक हुई है, और ना ही दोस्तों होगी, जहाँ तक मुझे पता है कट ऑफ का कोई भी सूचना नेवी है वो नहीं देगा आपको। तो कट ऑफ जो जानना चाहते हैं उनको निराशा ही आता लगेगी। और नंबर अगला है दोस्तों आपकी खाली पोस्ट से संबंधित, कि आपकी खाली पोस्ट कितनी है और कितनों पर यहाँ पर लिस्ट आई है, तो ये हम ऑफिशियली देख लेते हैं। मैंने सारा कुछ रिसर्च किया है पीछे की भर्ती का, तो कि पीछे की भर्ती में सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ ये एक लिस्ट ही है, जिसके अंदर जैसा यहाँ पर आपको लिस्ट भेजा गया है वैसा ही लिस्ट है, अलग से कोई यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, ना कोई कट ऑफ की है, ना कोई सूचना की है और कोई। तो हम देख लेते हैं कि पहले वैकेंसी आपकी कितनी थी। तो यहाँ पर हम चलेंगे दोस्तों आपका ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ये दोस्तों सब कुछ आप देख सकते हो, मैंने आपको जो रिजल्ट में बताया था वही है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम देखेंगे वैकेंसी, तो आपकी टोटल यहाँ पर बनती है वैकेंसी दोस्तों 46
502 और 06। तो टोटल यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज बनती हैं 554, 554 वैकेंसी आपकी बनती हैं दोस्तों, सिर्फ 554 हैं। ना कि दोस्तों आपको इनको अलग से नहीं जोड़ना है, सर्विस मैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, सिर्फ 554 वैकेंसी हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो वैकेंसी भी इंक्रीज हुई थी, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने सबको बताया था कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 512 वैकेंसी हो गई थी दोबारा से जो नोटिस आया था उसमें, और यहाँ पर पहले थी दोस्तों 502। तो यहाँ पर अब हम जोड़ते हैं 512, यानी कि आपकी 10 वैकेंसी आपको और ऐड करनी है इसके अंदर। तो 10 वैकेंसी अगर हम और ऐड करेंगे इसके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम 10 वैकेंसी और ऐड करते हैं तो टोटल हमारी वैकेंसी हो जाती है 564। 564 वैकेंसी टोटल थी आपकी, और जो आपकी फाइनल मेरिट जारी हुई है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ये जो लिस्ट जारी हुई है इसके अंदर दोस्तों आपके टोटल रोल नंबर, टोटल यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट कैंडिडेट है 536। तो यहाँ पर अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी बच जाती हैं पीछे 28, 28 तो वैकेंसी बच जाती हैं, बाकी आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है पीछे, यहाँ पर जारी की गई थी दोस्तों, तो पीछे का भी हम देख लेंगे। तो 28 वैकेंसी इसकी बच जाती हैं पीछे। तो 28 वैकेंसी के रिगार्डिंग दोस्तों मेरा यही मानना है कि संभव है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल आपके 28 पदों पर यहाँ पर अभी लिस्ट नहीं आई है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ये 33 सीट और यहाँ पर 2A 35 35 सीट है, ये कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, तो शायद लिस्ट नहीं दी होगी, या फिर ये अक्सर सर्विसमैन है 50+5 55 और यहाँ पर 2 बढ़ गई थी इसके अंदर, 57 57 वैकेंसी है, तो शायद एक्समैन नहीं मिले होंगे। संभव है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा रूल होगा इंडियन नेवी का कि यहाँ पर जो ये सीटें हैं पीडब्ल्यूडी और एक्समैन की, ये यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को नहीं दी जाती होगी, तभी यहाँ पर ये वैकेंसी शायद खाली की हैं, यही एक कारण हो सकता है दोस्तों। या फिर सेकंड लिस्ट का तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए, जो सिलेक्शन के लिए सीधी लिस्ट आएगी उसके बहुत कम चांसेस। हाँ वेटिंग लिस्ट ज़रूर आ सकती है, वेटिंग लिस्ट, क्योंकि पीछे की जो मैं आपको दिखाऊंगा पीछे का रिजल्ट है वो, तो दोस्तों पीछे जो आपका रिजल्ट आता था, जैसे ये वैकेंसी थी आपकी टोटल 384 वैकेंसी आई थी, सिर्फ 10th पास पर ये वैकेंसी थी, तो उस टाइम में दोस्तों आपका ये जो रिजल्ट आया था फाइनल, तो यहाँ पर इस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट जारी किया गया था कि सभी को अलग अलग बता दिया था कि एक्समैन वाला है जनरल की 42वीं रैंक है, इसकी ओबीसी की रैंक है, इसके जनरल की 45वीं रैंक है, तो सारा कुछ इन्होंने बता दिया था। ये आप देखोगे इसे रिजल्ट, तो टोटल यहाँ पर एक्समैन वाले भी बता दिए थे इन्होंने, एक्समैन वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरी 384 सीटों पर यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी थी, 384 वैकेंसी थी और 384 पर इन्होंने लिस्ट जारी कर दी थी। तो इसके बाद में यहाँ पर ये आपकी वेटिंग लिस्ट भी साथ ही दे दी थी, वेटिंग लिस्ट है ये, साथ में ही वेटिंग लिस्ट दे दी थी 384 की। यहाँ पर टोटल 25% इन्होंने वेटिंग रखी, 98 कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट में इन्होंने जगह दी। तो हो सकता है दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट अखबार इस बार जारी कर सकते हैं, वो जल्द ही हो सकता है वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, और या फिर ये जो आपकी 28 वैकेंसी बची हुई हैं ये फिर ये जनरल कैंडिडेट को दे दे, आपके नॉर्मल कैंडिडेट को बोल सकते हैं, जनरल नहीं तो अक्सर सर्विसमैन की जो वैकेंसी है, या फिर आपकी पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसी है वो सब में अलग अलग डिवाइडेशन कर दे जनरल ओबीसी एससी एसटी को, तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी सेकेंड लिस्ट है आ सकती है दोस्तों। इसका चांसेज है पर कन्फर्म नहीं है सेकेंड लिस्ट आना। हाँ वेटिंग का चांसेज 99% है कि वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगी, जैसे कि आईटीआई अनिवार्य की थी इस बार, पीछे आपकी 10th पास थी इस बार आईटीआई अनिवार्य थी, तो आईटीआई में दोस्तों अब यहाँ पर लोको पायलट की वैकेंसी आई है, काफ़ी वैकेंसीज आई हैं आईटीआई वालों की, तो यहाँ पर हो सकता है वो उसमें ज्वाइन कर लें, तो इसमें नहीं आए तो वेटिंग लिस्ट तो इनको निकालनी ही पड़ेगी। तो सेकेंड लिस्ट तो संभावना है पूरी पूरी आएगी ही आएगी, तो आपको वेट करना है, जो भी सेकेंड लिस्ट में है आपको अपनी तैयारी है वो चालू रखना है, दूसरी जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो वो आपको चालू रखना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको दोबारा से मेन पेज पर लाता हूँ, तो कट ऑफ है वो आपका जारी नहीं किया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन खत्म है, आगे की प्रोसेस आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर के आधार पर मिलेगी, तो ये प्रोसेस भी यहाँ पर ही एंड हो जाता है। खाली पोस्ट है आपकी टोटल 28 पोस्ट अभी भी वीकेंट बची हुई है, तो संभव है इसके ऊपर लिस्ट आए, पर यहाँ पर कन्फर्म नहीं है दोस्तों। और सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए दोस्तों, 99% आपके चांसेज हैं, और सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। आगे क्या होगा कैसे पता लगेगा, सारा कुछ आपको जो भी सिलेक्टेड हैं इनको तो यहाँ पर मेल आईडी और मैसेज से पता लगेगा,
बाकी का जो भी होगा ऑफिशियली वेबसाइट पर आएगा, और वेबसाइट पर आएगा तो आपके पास मैं यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो बनाकर, या फिर कुछ भी स्रोत हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे नियम ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने आपको बताए हैं, बाकी कोई भी अपडेट मेरे को मिलती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।